एक बार प्रेम से बोलिए साक्षी दरबार की जय। तो दोस्तों इस वक्त मैं जापलीनगंज दुर्गा मंदिर के पास हूँ। हमारे साथ नीरज पाठक जी हैं। एक पुरानी परंपरा 1965 से लगातार 2024 तक चली आ रही है और सुबह शाम जो दिव्य आरती होती है उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं आरती में और प्रसाद लेते हैं। आइए 9 दिन का जो कलश स्थापित है, कलश पूजन जो हो रहा है, उस 9 दिन में क्या क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में हम बात करते हैं नीरज पाठक जी से। तो क्या क्या होता है 9 दिन? जी मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस हिंदू सभ्यता संस्कृति के कार्य को बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगदान रहता है। तो हमारे मंदिर की ये परंपरा हमारे महाराज जी श्रीकांत पुजारी जी द्वारा यह मंदिर का स्थापना किया गया था, बनाया गया, और उसी क्रम से 1965 से लगातार यह प्रक्रिया चलती आ रही है कि साल में हर नवरात्र में पूजा पाठ का जो विधान होता है, बाहर से ब्राह्मण आते हैं और हर नवरात्र में चतुचंडी पाठ होता है और दोनों टाइम की आरती पूजा होती है। और यहाँ पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए हम लोग कामना करते हैं कि इस संसार में जो भी अच्छा हो उसके लिए माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सत्यचंडी पूजन में कितने ब्राह्मण रहते हैं, कब ये पूजा शुरू होती है, कब पूजा ख़त्म होता है, रोज डेली वाइज कैसे होता है? 5 से 6 ब्राह्मण रहते हैं और सुबह 9 बजे से और 12 बजे तक पाठ करते हैं, फिर 2 घंटे का विश्राम करते हैं, फिर शाम को पाठ करते हैं 4 बजे से 6 बजे तक। उसके बाद पाठ की आरती होती है, फिर महाआरती 8:30 बजे से 9:15 बजे तक सुबह में, 8:30 बजे से 9:15 बजे तक शाम को होती है। आरती कितने बजे बताया था आपने? 8:30 बजे शुरू से ही परंपरा चली आ रही है कि दोनों टाइम 8:30 बजे सुबह में, 8:30 से 9:30 का आरती का कार्यक्रम रहता है। माता का श्रृंगार उसके पहले होता है, सुबह में 7 बजे से आरती के पहले, फिर शाम को भी 7 बजे से आरती के पहले तक श्रृंगार हो जाता है। अच्छा, दूसरी आरती में नारियल तोड़ने की एक परंपरा रहती है, वो क्या है? ये शुरू से हमारे गुरुजी का मानना था कि देवी को बलि देने की परंपरा है, तो और बलि में जीव की बलि नहीं देकर जीव की बलि को ही मानकर हम लोग नारियल का बलि देते हैं। हर दोनों टाइम 9-9 नारियल की बलि दी जाती है आरती के पश्चात। नारियल की संख्या क्या होती है? 9 नारियल दोनों टाइम, 9-9 नारियल दोनों टाइम बलि दी जाती है आरती के बाद माता जी को। तो ये समय कितने बजे तक आरती चलता है? 45 मिनट से 1 घंटा, 45 से 1 घंटे तक आरती होती है। तो 45 से 1 घंटे के बीच ये आरती होती है और 9 नारियल को बकायदे उसको तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ते हैं उसको? वो तलवार से माँ की पूजा की जाती है और उसके बाद से उसी तलवार से नारियल को तोड़ा जाता है। माता जी के श्रृंगार में देखा जाता है कि मंदिर का 9 कलश जो स्थापित होता है, इसमें ब्राह्मणों की संख्या होती है, उस मुताबिक की पूजा बड़ी विधि विधान के साथ होता है। और वाकई ये मंदिर बहुत पुरानी है और यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं और स्पेशल ये कह रहे थे कि जैसे महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखी जाती है। महिलाएं ही तो पूजा का केंद्र हैं और देखा जाए तो शहर के जितने मंदिर हैं, यही नहीं सब जगह महिला ही मंदिर में नियमित आना जाना, पूजा करना, और इन्हीं लोगों के द्वारा अभी हम लोगों के धर्म की सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है और यही लोग मंदिर में जाने की परंपरा कायम रखी है। मंदिर में इन लोगों के द्वारा पूजा होता है, विशेष पूजा होता है, जाता तो सब है लेकिन महिलाओं की संख्या अधिक होती है। तो दोस्तों फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़ रहे बलियाजकर से। माता रानी कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। नमस्कार।